सपनों का घर और अपनों का साथ पता है कहां मिलता है? अब आप कहेंगे धरती पर। हां, पर वो सिर्फ किस्मत वालों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनके घर का पता सिर्फ उनके सपनों में ही रह जाता है। घर, परिवार और किसी अपने की खोज, जिसे अल्फ्रेड का मन भी ढूंढ रहा था। लेकिन 18 साल के सर अल्फ्रेड नाम का ये शख्स मजबूर रहा पेरिस के चार्ल्स डी गोयले इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर अपनी आधी जिंदगी काटने के लिए, और किसी को पता नहीं क्यों। आज इसी क्यों का जवाब देंगी सर अल्फ्रेड की ये बेहद दिलचस्प कहानी। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सर अल्फ्रेड मेहरान, जिनका असली नाम था मेहरान करीमी नजीरी, अल्फ्रेड ने साल 1988 से लेकर 2006 तक अपना जीवन पेरिस के हवाई अड्डे पर बिता दिया। हालांकि 1988 से पहले भी अल्फ्रेड के जीवन में कुछ ठीक नहीं था। मेहरान करीमी नजीरी के नाम से ईरान में जन्मे अल्फ्रेड के पिता पेशे से एक डॉक्टर थे, जो एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी के लिए काम करते थे। लेकिन जब कैंसर की वजह से 1972 में मेहरान के पिता का देहांत हुआ, तो उसकी माँ और पांच भाई बहनों ने उसे बताया कि वो एक नजायज औलाद है। एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी में काम कर रही एक स्कॉटिश नर्स के साथ उसके पिता के गैर कानूनी संबंधों की वजह से मेहरान का जन्म हुआ था। और क्योंकि उस समय में ईरान में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सजा फांसी थी, तो मेहरान के खानदान ने इस बात को गुप्त ही रखा। लेकिन बाप के मरने के बाद परिवार ने मेहरान का साथ छोड़ दिया। मेहरान भी अपनी किस्मत का सिक्का आजमाने ब्रैडफोर्ड इंग्लैंड में इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने चला गया, और वहीं कई राजनीतिक प्रदर्शनों में भाग लेने लगा। कई सालों बाद जब मेहरान का घर वापस आना हुआ, तो ईरान की सीक्रेट पुलिस ने ईरानियन शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने के जुर्म में उसे देश से निकाल दिया, जिसके बाद मेहरान ने यूरोप के कई देशों से नागरिकता पाने की अपील भी की। लेकिन बाद में कहीं जाकर मेहरान को यूनाइटेड नेशन कमिटी ने एक रिफ्यूजी करार दिया, और इसे जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत आने वाले देशों में ट्रैवल करने की आजादी दे दी। कई साल यूरोप में भटकने के बाद मेहरान ने स्कॉटलैंड जाकर अपनी जन्म देने वाली माँ से मिलने का इरादा बनाया। कहा जाता है कि मेहरान ने पानी के रास्ते यानी सबमरीन के जरिए यूनाइटेड किंगडम पहुंचने का प्रयास किया। तभी मेहरान के जरूरी दस्तावेजों से भरा सूटकेस चोरी हो गया। गैरकानूनी तरीके से देश में घुसने की कोशिश करने पर रुकावट लगी, पर मेहरान ने फिर से कोशिश की। लेकिन इस बार चार्ल्स डी गोयले इंटरनेशनल हवाई अड्डे से हवाई जहाज के जरिए, और यहीं आकर मेहरान का सफर रुक गया, क्योंकि मेहरान अपना पासपोर्ट और ना ही कोई अन्य पहचान पत्र इमिग्रेशन ऑफिसर्स को जमा करवा पाया। उसका कहना था कि उसके सभी दस्तावेज चोरी हो चुके हैं। अब चार्ल्स डी गोयले इंटरनेशनल हवाई अड्डा ही उसका घर था, क्योंकि किसी भी देश में जाने के लिए उसके पास आईडी प्रूफ और कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है, जो कि मेहरान यानी सर अल्फ्रेड के पास नहीं थे। लेकिन उसके हवाई अड्डे पर रहने से कोई कानून नहीं टूट रहा था, इसलिए उसे वहां रहने से कोई मना नहीं कर पाया। अपने पहचान का सबूत न पेश कर पाने के कारण मेहरान ने चार्ल्स डी गोयले इंटरनेशनल हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 के प्री लॉन्च डिपार्चर पर ही रहकर अपने किस्मत की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। लाउंज में ही मेहरान ने एक लाल सोफा देखा और कुछ समय के लिए उसे अपना घर बनाकर वहीं रहने लगा। वहां दिन में यात्रियों की भीड़ लगने से पहले मेहरान शौच का सारा काम पूरा कर लेता था। पूरा दिन उड़ान घोषणाएं सुनता, मैकडोनल्ड्स के वेटर्स जो उसके दोस्त बन चुके थे वो उसे खाना देते, और रात में अपनी नीली जैकेट को कंबल के जैसे ओढ़कर उसी लाल सोफे पर सो जाता। लेकिन जब कोई यात्री उसकी बात सुनता, तो वो उन्हें यही बताता कि उसे अपने देश ईरान ने उस देश से निकाल दिया है, और उसके घर वालों ने भी उसे छोड़ दिया है, वो बिल्कुल अकेला है। उसकी कहानी सुनकर कुछ लोग उसे पैसा दे देते, कुछ कपड़े और कुछ जरूरतमंद चीजें। कुछ बचे पैसे वो हवाई अड्डे के पोस्ट ऑफिस के जरिए अपने अकाउंट में डलवा देता था। ऐसा करते करते एक साल निकल गया, जब मेहरान ने लंदन जाने के लिए हवाई टिकट खरीदने का इंतजाम कर लिया था। लेकिन फिर से उसे
हेथरो हवाई अड्डे पर रोक लिया गया और वापस चार्ल्स डी गोयले इंटरनेशनल हवाई अड्डे भेज दिया गया। हताश होकर मेहरान को अपने लाल सोफे पर ही लौटना पड़ा। 90 की दशक की शुरुआत में मेहरान की कहानी में कई पत्रकार दिलचस्पी लेने लगे। कई लोग मेहरान को पत्र लिखने लगे और अन्य जरूरतमंद सामान भेजने लगे, क्योंकि मेहरान का खुद का कोई पता नहीं था। तो ये सभी चीजें एयरपोर्ट के फिजिशियन डॉक्टर फिलिप बारगेन के खाते में पहुंचने लगे। इस वजह से मेहरान के लिए डॉक्टर फिलिप एक अहम भूमिका निभाने लगे। इस बीच मेहरान को एक पत्र भी मिला जिसमें उसे गलती से सर अल्फ्रेड के नाम से संबोधित किया गया था। बस तभी से मेहरान सर अल्फ्रेड के नाम से ज्यादा मशहूर हो गए। हालांकि इस बदलते नाम के साथ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी मेहरान भी कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाए, लेकिन मेहरान से अल्फ्रेड बनने की कहानी अब उसे ज्यादा दिलचस्प लगने लगी थी। इतनी दिलचस्प कि मेहरान के लिए दस्तावेज मिल जाने के बाद भी उसे उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया गया। दरअसल उसी साल जुलाई के महीने में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट क्रिस्टियन बॉर्गेट, जो पिछले 10 साल से अल्फ्रेड का केस देख रहे थे, उन्हें आखिरकार अल्फ्रेड के खोए दस्तावेज मिल गए। ये दस्तावेज अल्फ्रेड ने बेल्जियम अथॉरिटीज को लंदन जाने के समय पोस्ट के जरिए भेजे थे, लेकिन जब इसके बारे में अल्फ्रेड से पूछा गया तो उसने कहा ये एक गलती है, क्योंकि दस्तावेजों में उसका नाम मेहरान करीमी नजीरी लिखा है, पर उसका नाम तो सर अल्फ्रेड है और जन्म स्थान भी ईरान है, बल्कि वो तो यूनाइटेड किंगडम का रहने वाला है। 1988 का मेहरान अब बिल्कुल बदल चुका था। उसका ये मानना था कि वो ब्रिटेन का रहने वाला है। अल्फ्रेड अपनी बदली पहचान को अपना सच मान लिया था, और जब तक उसके दस्तावेजों में नाम सर अल्फ्रेड और जन्म स्थान में यूके, यूएसए या स्वीडन में से कोई एक जगह न लिखी जाए, तब तक वो हवाई अड्डे पर ही खुश था। और इस बार उसे हवाई अड्डे पर रहने के लिए मजबूर करने वाला वो खुद ही था, क्योंकि अब उसे पहचान मिलने लगी थी। कई प्ले और फिल्में अल्फ्रेड की जिंदगी पर बनने लगे। साल 1999 में एक फिल्म मेकर ने सर अल्फ्रेड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसमें भी अल्फ्रेड ने अपने ईरानियन होने से इनकार कर दिया और दावा किया वो यूरोप का ही रहने वाला है। 2004 में हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग ने अल्फ्रेड की कहानी पर टॉम हंक्स के साथ एक फिल्म बनाई, द टर्मिनल। यहां से अल्फ्रेड की चर्चा और बढ़ गई। द टर्मिनल फिल्म बनाने वाली कंपनी ड्रीमवर्क्स प्रोडक्शन ने सर अल्फ्रेड की जिंदगी की कहानी के राइट्स खरीदे थे, जिसके लिए अल्फ्रेड को $175 से $500 तक दिए गए, जो उसने हवाई अड्डे के पोस्ट ऑफिस में जमा करवा दिए थे। उसी साल सितंबर के महीने में अल्फ्रेड ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द टर्मिनल मैन पब्लिश की, जो उसने उसी लाल सोफे पर बैठकर लिखी थी, जो इस सफर में उसका सबसे बड़ा साथी रहा। किताब को कई मिक्स्ड रिव्यू मिले। कई लोगों को अल्फ्रेड की यह किताब बहुत दिलचस्प तो कईयों को बेहद अजीब लगी। हालांकि इस किताब से अल्फ्रेड ने खूब पैसा कमाया, लेकिन एक दिन वो भी आया जब अल्फ्रेड का सच लोगों के सामने था, और इस सच को दुनिया के आगे लाने वाले शख्स का नाम था बग्ज़िलर। बग्ज़िलर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जिन्होंने अल्फ्रेड पर एक इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें अल्फ्रेड के एक एक राज से पर्दा उठाया गया। बग्ज़िलर ने अल्फ्रेड के परिवार को कॉन्टैक्ट किया तो पता चला अल्फ्रेड के भाई बहनों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की थी, पर अल्फ्रेड ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद बग्ज़िलर का अल्फ्रेड से जुड़ा दूसरा खुलासा चौंकाने वाला था। दरअसल अल्फ्रेड के भाई बहनों ने बताया कि उनकी मां ने मेहरान से नजायज होने की कोई भी बात नहीं कही थी, क्योंकि मेहरान उनका असली बेटा था। इन खुलासों के बाद अल्फ्रेड को लेकर सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि अल्फ्रेड इतने सालों से चार्ल्स डी गोयले इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर क्या कर रहा था और वहां से जाना क्यों नहीं चाहता था। 18 सालों से सर अल्फ्रेड उसी हवाई अड्डे की प्री डिपार्चर लॉन्च के टर्मिनल 1 पर, उसी लाल सोफे पर जिसके पीछे बनी बड़ी सी खिड़की और खिड़की से दिखने वाला बदलती दुनिया का दृश्य, बदलते फैशन ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और नए दशक का उगता सूरज, ये सब वो अपने लाल सोफे से ही समझने की कोशिश करता रहा। तकरीबन 40 साल का मेहरान जो 1988 में चार्ल्स डी गोयले इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर आया था, अब बदल चुका था, शरीर से भी और मानसिकता से भी। बाल सफेद होने लगे थे और चेहरे पर झुर्रियां झांकने लगी थी। अब अगर अल्फ्रेड हवाई अड्डा छोड़ भी दे तो उसका मतलब ये होगा कि वो ये बात मानता है कि वो मेहरान करीमी नजीरी है, जो ईरान का रहने वाला है,
और इस पहचान को मानने से उसने कब का इनकार कर दिया था। लेकिन जुलाई 2006 में सर अल्फ्रेड को हेल्थ इमरजेंसी के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सर अल्फ्रेड की मेडिकल इमरजेंसी की वजह तो साफ तौर पर पता नहीं चली, लेकिन एक बात तो साफ थी कि अस्पताल जाने के बाद सर अल्फ्रेड का चार्ल्स डी गोयल इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर सफर खत्म हो चुका था। टर्मिनल वन एक ऐसी जगह जहां एक शख्स ने तकरीबन 2 दशक गुजारे और आज कोई उस शख्स का पता नहीं जानता। सर अल्फ्रेड अकेला नहीं है, ऐसी और भी कहानियां हैं जिनमें कई लोगों को एक लंबे अरसे तक हवाई अड्डों पर रहना पड़ा था। फर्क सिर्फ इतना है कि सर अल्फ्रेड अपने बंदी भी थे और बंधक भी थे। लेकिन एक बात तो है, मेहरान करीमी नजीरी ने सर अल्फ्रेड बनने की जंग पूरी शिद्दत से लड़ी। अब आपको मेहरान से सर अल्फ्रेड बनने तक की ये कहानी कैसे लगी, ये आप हमें कमेंट करके बताना।